Hello everyone, today we are going to complete questions and answers of the lesson The Praying Hands. Chapter हो चुका है, उसकी exercise मैं करा चुका हूँ पहले. आज हमने उसके जो main जो question answer हैं वो करने हैं, तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, how did the head of the household support his family? किस प्रकार से जो घर का मुखिया था, जिस परिवार में 18 बच्चे थे, किस प्रकार से उसने उस परिवार को सपोर्ट किया. हाउ डिड ही डू दिस. देखिए आंसर, टू सपोर्ट द फैमिली द हेड ऑफ द household worked almost 18 hours a day. 18 hours a day. He was a goldsmith by profession. Profession से वो एक goldsmith था, but he picked up any other work, other paying work in the neighborhood. पड़ोस में कोई भी काम जिससे उसको नगद इनकम आ जाए, ऐसा काम वो कर लिया करता था. देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, Why did the two older children not ask their father to send them to the art school? उन दोनों जो बड़े वाले लड़के थे, उन्होंने अपने पिताजी से आर्ट स्कूल में भेजने के लिए क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वे जानते थे. बिकॉज, आंसर देखिए, बिकॉज दे न्यू अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज फादर. वे अपने पिताजी की कंडीशन जानते थे कि इसका पिताजी गरीब है, केवल रोजी रोटी चला रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से नहीं पूछा. तो बिकॉज दे न्यू अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज फादर, दे न्यू दैट, वे जानते थे कि देयर फादर, वे जानते थे कि देयर फादर could not afford the fee burden. वे जानते थे कि उनका पिताजी जो फीस का बर्डन है वो बेयर नहीं कर सकता है. देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड द टू बॉयज वर्क आउट ए वे टू गो टू द आर्ट स्कूल. आर्ट स्कूल में जाने के लिए, आर्ट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोनों भाइयों ने क्या तरीका निकाला. द टू बॉयज डिसाइडेड टू टॉस ए कॉइन. द लूजर वुड गो टू द वर्क. जो हारेगा, टॉस हारेगा, वह काम के लिए जाएगा. एट द नियर बाय माइंस,
पास की जो खान है उसमें काम करने के लिए जाएगा एंड सपोर्ट द विनर, और जो जीतेगा उसको सपोर्ट करेगा व्हाइल ही अटेंडेड द आर्ट स्कूल, जबकि जो विनर होगा वो आर्ट स्कूल में ज्वाइन करेगा, वो अटेंड करेगा। लेटर द लूजर वुड अटेंड द एकेडमी। बाद में जो अभी जो लूजर है बाद में वो एकेडमी को ज्वाइन करेगा, जब मान लीजिए पहले वाला जब करके आ जाएगा अपना कोर्स, फिर बाद वाला जाएगा। जो लूजर है अभी वो अभी काम करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, बाद में वो भी जाएगा, ये उन्होंने डिसाइड किया था। एंड द विनर वुड टेक केयर ऑफ हिम, और जो विनर है अभी जो विनर है बाद में वो उसके लिए काम करेगा, चाहे अपनी आर्ट बेचे, चाहे कलाकारी जो पेंटिंग बनाता है उसको बेच के अगर किसी प्रकार करे, अभी जो विनर है बाद में जो ये विनर है ये उसके लिए पेमेंट करेगा, मतलब ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। डिड अलब्रुखेत स्टिक टू हिज पार्ट, क्या अलब्रुखेत अपने उस पार्ट से चिपका रहा जो उसने कहा? इफ यस, यदि हाँ, अंडरलाइन द सेंटेंस दैट टेल यू सो, तो आप अपनी बुक में उस सेंटेंस को अंडरलाइन करें जो आपको ये बताता है। तो आप देखिए आंसर इसका, डिड अलब्रुखेत स्टिक टू हिज पार्ट, यस, हाँ अपने बात पे अडिग रहा, यस अलब्रुखेत स्टक टू हिज पार्ट, वह अपने पार्ट से चिपका रहा, अपने बात पे बना रहा, क्योंकि ये डिड से शुरू है तो पास्ट डेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट में ही रहेगा। स्टक इसलिए स्टिक का स्टक हो गया है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप। हम वो सेंटेंस लिखेंगे जिसको अंडरलाइन करना था बुक में, सेंटेंस ये दिया हुआ है 75 पेज पे, अल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन It is your turn. It is your turn. ये उसने कहा, You must go to Nuremberg. You must go to Nuremberg. आपको जरूर Nuremberg जाना चाहिए to follow your dream. To follow your dream, आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए Nuremberg में जाना चाहिए, ये उसने अल्बर्ट को कहा था। ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, नाउ इट इज योर टर्न, अब आपकी बारी है। तो इस बात से पता चलता है कि जो उसने वादा किया था अपने भाई को उस पर वो अडिग रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्बर्ट कुड नॉट गो टू द आर्ट स्कूल व्हेन हिज टर्न केम, जब उसकी बारी आई तो अल्बर्ट जो है आर्ट स्कूल में नहीं जा पाया, नहीं जा सका। व्हाई, क्यों नहीं जा सका? देखिए इसका आंसर, अल्बर्ट कुड नॉट गो टू द आर्ट स्कूल, अल्बर्ट जो है आर्ट स्कूल में नहीं जा सका, बिकॉज एवरीवन इन हिज फिंगर
हैज स्मैश्ड एटलीस्ट वंस क्योंकि उसके हाथ में हर उंगली कम से कम एक बार तो टूट ही चुकी थी, स्मैश हो चुकी, चकनाचूर हो गई, हड्डियां टूटी हुई थी। एंड लेटली ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। ये गठिया जो हड्डियां टूट जाती है तो गांठे गांठे हो जाती है उंगलियों में या कहीं भी शरीर में, जब हड्डियां टूटने से गांठे हो जाती है तो गठिया की बीमारी उसको हो गई थी, सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। दैट हिज राइट हैंड नॉट पिक ए ब्रश एंड पेन। उसके राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड था उसमें वो पेन भी नहीं उठा सकता था, वो ब्रश भी नहीं उठा सकता था, उसको इतना खराब हो चुका था। इवन ही कुड नॉट होल्ड ए ग्लास टू रिटर्न हिज ब्रदर टोस्ट। जैसे उसके भाई ने उसको टोस्ट दिया था, एक ग्लास का एक पैग दिया था एक तरह से, वो अपने भाई को वापस एक पैग देने के काबिल भी वो नहीं था, उसका हाथ ये काम भी नहीं कर रहा था। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपने रिटर्न में ये कर भी लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।